नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा भारतीय छापा चित्रकला को लेकर, और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहेंगे जो आपकी आगामी एस्टेट की परीक्षा में आपको काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो भारत में जो वास्तविक छापा कला है उसका उद्भव होता है सिंधु सभ्यता से, क्योंकि वहाँ से हमें एक वस्त्र प्राप्त हुआ था जिस पर मजिस्ट रंग का जो सूती कपड़ा था उस पर मोहनजोदड़ो से जो हमें प्राप्त हुआ था उस पर कास्ट ब्लॉक से छापा किया गया था, और ये हमारे पास सबसे प्राचीन जो प्रमाण है वो देखने को मिलता है। अगर हम यांत्रिक कास्ट मुद्रण की बात करें तो 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहला छापाखाना लगाया था गोवा में, और जो पुस्तक थी वो थी कौन कलुसो से आउट्स राय कोई सास, इसको सबसे पहले छापा गया था। 1579 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय भाषा में पुस्तक छपी थी जो फादर हेनरिम्स द्वारा अनुवादित की गई थी। पुस्तक का नाम था दैत्रिना क्रिस्त्रियाना, ये एक तमिल पुस्तक थी। भारत में मुद्रण कला का प्रारंभ है वो चल टाइप के द्वारा हुआ है। रेखा अम्लांकन की बात करें तो 1780 ईस्वी में हिक्की जो थे उन्होंने बंगाल में इसकी प्रेस लगाई थी। 1786-88 ईस्वी में विलियम डैनियल और थॉमस डैनियल जो कि चाचा भतीजा थे उनके द्वारा रेखा चित्रों का एक संग्रह था वो पुस्तक में छापा गया। इसमें कलकत्ता के 12 चित्र थे। 1789 ईस्वी में एशियाटिक रिसर्च का पहला ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, इसमें भारतीय कलाकारों के 15 उत्कीर्ण चित्र थे। कोलकाता में किसी भारतीय द्वारा सबसे पहले प्रेस लगाई गई थी तो वो थे ब्राह्मण बाबूराम के द्वारा, इन्होंने 1807 ईस्वी में केदारपुर में प्रेस लगाई थी। चार्ल्स द ओले ऐसे अकेले अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय कलाकारों को छापा प्रशिक्षण देने में रुचि दिखाई थी। गंगा किशोर भट्टाचार्य की आनंद मंगल यानी कि आनंद मंगल नाम की जो पुस्तक है वो सबसे पहली ज्ञात पुस्तक है जिसमें डिजाइन छपे थे, और 1816 ईस्वी में इसको छापा गया था। हम यहाँ पर छापांकन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पुस्तक की बात कर रहे हैं। रामचंद्र रॉय ने इसके लिए रेखांकन जो रेखा चित्र है वो उत्कीर्ण किए गए थे। 16 अगस्त 1854 ईस्वी को कलकत्ता में एमर गोड की अध्यक्षता में औद्योगिक कला विद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम छापाकार की अगर बात करें तो वो है आनंद कुमार बागची। 1868 ईस्वी में गैरिक की देखरेख में आनंद कुमार बागची ने राजा राजेंद्रपाल मित्रा की पुस्तक उड़ीसा के पुरावशेष के लिए रेखाचित्र बनाकर छापे थे। 1876 ईस्वी में कोलकाता में आर्ट स्टूडियो की स्थापना हुई थी। दामोदर हल्दर, शशिधर बैनर्जी, कार्तिक चंद्र और दादा ठाकुर ये कुछ बंगाल के प्रसिद्ध छापाकार रहे हैं। 1883 में बंपदा पदोपाध्याय पहला कलाकार था जिन्होंने अपने जो तेल चित्र थे उनको जर्मनी से ओलियोग्राफ करवाया था। राजा रवि वर्मा ने 1893 ईस्वी में जर्मनी से आयात यानी कि मंगवा कर एक जो प्रेस थी वो स्थापित की थी घाटकापुर गिरगांव में। ओलियोग्राफी इसमें करते थे अपने जो तैल चित्र थे उनकी। इस प्रेस जो ये प्रेस थी उससे सबसे पहले चित्र शकुंतला का जन्म जो कि इन्होंने 1894 में इसका बनाया था इसको प्रेस किया गया था। बाद में सरस्वती और महालक्ष्मी उनको प्रिंट किया गया था। ये जो राजा रवि वर्मा ने जो प्रेस लगाई थी उससे सबसे पहला जो चित्र प्रिंट किया गया था वो शकुंतला का जन्म था, और उसके बाद में सरस्वती और महालक्ष्मी को प्रिंट किया गया था। ये जो चित्रकार हैं अपने राजा रवि वर्मा, इन्होंने गोवर्धन दास खटाव के साथ पार्टनरशिप करके या भागीदारी करके इस ओलियोग्राफी मशीन को लगाया था। गगेंद्रनाथ पहले छापा कलाकार हैं जिन्होंने छापा चित्र में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया है, अपनी ओरिजिनल जो इन्होंने चित्र हैं वो छापे हैं इसमें। और जलपान जो है वो ऐसा इनका एक चित्र है जिसे गगेंद्रनाथ ठाकुर ने लिथोग्राफी में छापा था 1917 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट यानी कि 1905 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी।
1912 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन की स्थापना हुई। 1915 में विचित्र सभा, जो कि टैगोर के पुस्तैनी मकान में इसकी स्थापना की गई थी। मुकुल चंद्र डे 1916-17 में अमेरिका जाकर अमलांकन सीखकर वापस आए हैं। नाव पर मानव जीवन मुकुल डे का एक प्रसिद्ध छापा चित्र है। ये पहले भारतीय चित्रकार थे जो ग्राफिक सीखने के लिए विदेश गए थे। भारत में अमलांकन कराने का श्रेय मुकुल डे को ही जाता है और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है माय फर्स्ट एचिंग। इस कला को चित्र के रूप में प्रयोग करने वाला पहला जो कलाकार था वो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का चंचल बैनर्जी था। नंदलाल बोस ने 1929 ईस्वी में रविंद्रनाथ द्वारा लिखित पुस्तक सहज पथ में छापे से चित्र बनाए थे। नंदलाल बसु का एक जो प्रसिद्ध छापा चित्र है वो है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, जो कि लिनो कट से बनाया गया है। नंदलाल के शिष्य विनोद बिहारी और राम किंकर बैज ने भी छापा कला में अनेक चित्रों की रचना की है। 1932 तक छापा चित्र है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होते थे। अगर हम स्थानीय स्तर पर बात करें तो सबसे पहले रंगीन छपाई कोलकाता कला विद्यालय के नरेंद्र किशोरी राय ने विकसित की थी। 1932 में राय ने स्कूल पत्रिका अवर मैगजीन के लिए रंगीन कास्ट चित्र छापा था। ललित मोहन सेन, जो कि लखनऊ के हैं, सुरेंद्र नाथ कर, समरेंद्र नाथ गुप्ता, अब्दुल रहमान चगुताई और हिरेन दास, ये भी प्रसिद्ध जो छापाकार हैं वो रहे हैं। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की छापा चित्रकला के बारे में तो इसके तीन चरण हैं। पहला जो चरण है वो 1954 से 1964 यानी कि 10 वर्ष तक का है। ये जो है वो दिल्ली के कंवल कृष्ण ने आरंभ किया था। 1960-70 है वो सोमनाथ होर के बंटवारे में जाता है। कोलाज प्लेट की अगर हम बात करें तो कोलाज प्लेट है कंवल कृष्ण पहले कलाकार थे जिन्होंने कोलाज प्लेट बनाई थी और इंटेग्लियो पद्धति को अमलांकन की तरह छापा था। 1954 में कंवल कृष्ण ने विलियम हैथर से एथिलिय 17 में अमलांकन व उत्कीर्ण तकनीक सीखी। इनके आरंभिक कार्य है वो हिमालय के भूदृश्य हैं। 1939-40 में तिब्बत यात्रा की तथा जलरंग से इन्होंने काफ़ी चित्र बनाए हैं। 1956 की इनकी एक चित्र सीरीज है श्रृंखला है लामा मिलोरप्पा, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लामा मिलोरप्पा 1956 ईस्वी। सेंट मेडिटेटिंग ये भी प्रसिद्ध है। बर्थ ऑफ लाइट, हैवरिंग और शिवरिंग सन, ये जो कुछ प्रसिद्ध इनके चित्र हैं जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। देवयानी कृष्ण की अगर मैं बात करूँ तो जो कि कंवल कृष्ण की पत्नी हैं, इनके कुछ प्रसिद्ध छापा चित्र हैं जिसमें मास्क है, एलिफेंट है, ये आरंभिक चित्र हैं। उसके बाद कैक्टस है, लवर्स है, ये सीरीज़ है, ये इन्होंने 1961 में इसका निर्माण किया था। इनकी जो अल्लाह श्रृंखला है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा है क्या और कहाँ। अगर बात करें विस्कोसिटी प्रक्रिया की, इसको एक चिपचिपी प्रक्रिया भी बोला जाता है। इस प्रक्रिया में केवल एक ही प्लेट से बहुरंगी छापा लिया जा सकता है। जो कृष्णा रेड्डी हैं उन्होंने इस तकनीक का विकास किया था और 1925 में इनका आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था। कृष्णा रेड्डी मूर्ति शिल्पी पर जो धातु प्लेट है उस पर इन्होंने काम किया है। मस्खरा इनकी काफ़ी प्रसिद्ध चित्र रहा है, विस्कोसिटी से बनाया गया है, कृष्णा रेड्डी द्वारा बनाया गया है। पेस्ट्रोल है 1958 में बनाया गया था, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। 1975 में बनाया गया घुटनों के बल चलती धूप, ये भी इनका काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, छापा चित्र है। अगर मैं बात करूँ लुगदी छापा चित्र की यानी कि पल्प प्रिंट की, तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है यानी कि जो इसकी खोजकर्ता के रूप में हम जानते हैं वो है सोमनाथ होर। सीमेंट और प्लास्टर ब्लॉक तथा कागज की लुगदी के साथ इन्होंने नए प्रयोग किए थे और इसे हम लुगदी छापा चित्र या पल्प प्रिंट के द्वारा जानते हैं। नाइट मीटिंग इनका सोमनाथ होर का वुड ब्लॉक प्रिंट है।
जो कास्ट उत्कीर्ण हम बोलेंगे इसको, चाय की दुकान, गली का दृश्य, माँ और बच्चा, जादूगर, स्वपन, एक सफेद गुलाब का जन्म। इसके अलावा इन द पॉन्ड, चाइल्ड, जिसमें फीके रंगों का इस्तेमाल किया गया है, होर की पारंपरिक छापों की प्रदर्शनी 1973 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसमें इन्हें वुंड्स या घाव कहा गया है। अगर हम बात करें वुड इंटेग्लियो की, तो सनतकर इसके प्रसिद्ध अपने छपा चित्रकार हैं, कास्ट उत्कीर्ण या वुड इंटेग्लियो की बात करते हैं। वुड इंटेग्लियो की बात करें तो सनतकर ने कास्ट उत्कीर्ण यानी कि वुड इंटेग्लियो की खोज की थी। ज्योति भट्ट ने बड़ौदा में, जगमोहन चोपड़ा ने दिल्ली में एचिंग प्रेस की स्थापना की। 1970 में दिल्ली में छापा बनाने की प्रथम कार्यशाला आरंभ की गई थी। 15 अगस्त 1990 को दिल्ली के कलाकारों ने गिल्ड की स्थापना की थी। तो ये कुछ जो प्रश्न थे जो भारतीय छापा चित्रकला से संबंधित थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं। धन्यवाद।